गुलबर्गा शहर के यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन लिमिट में विकास, आकाश और बबलू नामी तीन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 47 चोरी की बाइक्स बरामद की गई हैं, जिसकी रकम 40 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा, विकास, आकाश और बबलू नामी ये तीन चोर गुलबर्गा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पार्किंग में लगी व्हीकल्स को डायरेक्ट वायर कनेक्शन कर चोरी की वारदात को अंजाम देते आ रहे थे। पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी बी डिवीजन की हिदायत पर यूनिवर्सिटी सर्कल इंस्पेक्टर एंड टीम ने 47 मोटरसाइकिल के साथ तीन चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस कमिश्नर ने कहा, शहर की आवाम अपनी व्हीकल्स की हिफाजत करें और सुनसान जगहों पर व्हीकल्स को पार्क ना करें और एडिशनल सेफ्टी के लिए बाइक के पिछले टायर्स को चैन लॉक लगाया करें ताकि अपनी बाइक को चोरी होने से बचाया जा सके। गुलबर्गा सिटी पुलिस के यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के हमारे इंस्पेक्टर और एसीपी ने एक बहुत बड़ा बाइक चोरी करने वाले गैंग को खुलासा करके उनको गिरफ्तार किया है। इसमें चार लोग इन्वॉल्व है, जिसमें एक विकास, आकाश और बबलू करके तीन लोगों को अभी हिरासत में लिया हुआ है। ये लोग हमारे यूनिवर्सिटी लिमिट्स में, ब्रह्मपुर लिमिट्स में और दूसरे पुलिस स्टेशन लिमिट्स में बाइक चोरियाँ कर रहे थे। करीब 47 बाइक रिकवर हुए हैं, उनका टोटल वैल्यू होगा 40 लाख रुपीज़। सो इतना बड़ा एक कार्य ये हुआ है, कार्रवाई हुआ है हमारे कलबुर्गी सिटी पुलिस की तरफ से। ये लोग बहुत ही होशियारी से वायर को डायरेक्ट करके कि जो बटन स्टार्ट, इग्निशन स्टार्ट जो रहता है बाइक, उनको टारगेट करके ऐसा करते थे। और मैं हमारे पब्लिक को यही सलाह देता हूं कि थोड़ा सावधान रहे, अपना बाइक जो है जहां पे लोग हैं वहां पे पार्क करें और चाहे तो पीछे के जो टायर होते हैं उसमें मैनुअल चेन लॉक भी लगाए, एडिशनल सेफ्टी, वो डिफ़िकल्ट है उनको ब्रेक करना। तो ये सारे चीज़ें को और सावधानियाँ रखने से ये जो बाइक थेफ्ट है उसको कम किया जा सकता है। सर, इनके दूसरे स्टेट से लिंक्स है क्या सर? वो अभी हमारा टीम तहकीकात कर रही है, उसके बाद पता चलेगा सर।